नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं YouTube News 24 की एक और नई खबर में। और गाइस, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इतिहास रचने के करीब पहुंचे हैं उमेश यादव, तीसरे दिन तोड़ सकते हैं सबसे महान रिकॉर्ड। मगर दोस्तों, उससे पहले डालते हैं एक नजर भारत वर्सेस इंडिया के बीच में होने वाले पहले टेस्ट मैच के बारे में कि इसमें क्या क्या स्कोर रहा, किसने कितने रन बनाए हैं। जहां पर टीम इंडिया ने पहले बॉलिंग करते हुए बांग्लादेश टीम को ओनली 150 रन पर ही पहले दिन दोपहर तक 10 विकेट चटका दिए। उसके बाद टीम इंडिया बैटिंग करने गई तो टीम इंडिया ने शानदार पारी खेलना स्टार्ट किया और रन बनाना भी स्टार्ट कर दिया। मगर टीम इंडिया का विकेट, जो कि सबसे कीमती विकेट है, रोहित शर्मा का विकेट गिर गया। तो पहला दिन टीम इंडिया के लिए खराब रहा और दूसरा दिन भी खराब ही रहा, क्योंकि दूसरे दिन के स्टार्ट होने के बाद विराट कोहली का विकेट जायद ने ले लिया। LBW बोल्ड कर दिया विराट कोहली को। मगर दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो तो लाजवाब है। मयंक अग्रवाल ने 243 रन की पारी खेल डाली दूसरे दिन के खत्म होने से पहले और एक महान रिकॉर्ड बना दिया है। मयंक अग्रवाल अब दुनिया के दूसरे नंबर के बल्लेबाज बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में। सन 2019 में पहले नंबर पे स्टीव स्मिथ हैं, दूसरे नंबर पर मयंक अग्रवाल हैं। पुजारा ने 54 रन बनाए हैं, विराट कोहली ने 0 पर आउट हुए। जैसा कि आपको पता है, रहाणे 86 रन पर ही आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। रविंद्र जडेजा फिलहाल अभी भी खेल रहे हैं, आज भी खेलेंगे तीसरे दिन। उसके बाद साहा आउट होकर चले गए 12 रन पर। उमेश यादव 10 गेंदों में एक चौके और 3 छक्के की मदद से 25 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं। और तीसरे दिन के खेल में उमेश यादव के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में जो पहला नंबर है वह है पाकिस्तान के मिसबाह अल हक्का, जिन्होंने 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था सन 2014 में। अगर उमेश यादव ऐसा कारनामा कर देते हैं, जो 10 गेंद खेली उमेश यादव ने एक चौका लगाया है, 3 छक्के लगाए हैं और 25 रन बना दिए हैं, अगर 10 गेंद ऐसे ही और खेल ली और 20 गेंदों में अगर 50 रन अपने पूरे कर दिए, तो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे सबसे फास्ट 50 लगाने में टेस्ट क्रिकेट में। यहाँ पे 21 गेंदों में रिकॉर्ड दर्ज है मिसबाह के नाम, तो 20 गेंदों में लगा के नंबर 1 बनने वाले हैं अगर उमेश यादव ऐसे ही खेलते रहे तो। दूसरा नंबर डेविड वार्नर का है, तीसरा नंबर जैक कैलिस का है। और दूसरे दिन के खत्म होते होते टीम इंडिया ने 493 रन बना दिए हैं 6 विकेट के नुकसान से। और दोस्तों, आप नीचे कमेंट में जरूर से बताना क्या उमेश यादव इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मगर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे। तो गाइस, इस खबर में इतने था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए UTV News 24।